हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहोगे। गाइस, इस वीडियो में मैं मदरबोर्ड को कवर किया हुआ। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड के इंटरफेसेस क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको मदरबोर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मदरबोर्ड होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। क्वेश्चन होता है मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड एक आपका सर्किट बोल सकते हो, एक प्लेट बोल सकते हो, राइट, एक डिवाइस बोल सकते हो। एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली, राइट। कुछ डिवाइसेज जो होते हैं एक्सटर्नली कनेक्टिविटी कराती है, कुछ डिवाइसेस ऑन मदरबोर्ड ही रहता है वो कर, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, पीसीआई स्लॉट पे जो भी लगाते हैं, ये सारे मदरबोर्ड के ऊपर ही रहते हैं, वहीं पे हम लगा के इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहो आप। सबसे पहले आप देखो मदरबोर्ड में ये सारे इसके ब्रांड हैं, इंटेल है, आसूस है, एजरॉक है, एमएसआई है, गीगाबाइट है, मर्क्यूरी, बायोस्टार। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड मैंने नहीं मेंशन किया इसमें, जैसे इलाइट ग्रुप, वेस्टा, नेस्ट ग्रुप, क्रिप्टॉन, बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड के कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मदरबोर्ड, राइट। और अब ये डिपेंड करता है, ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये दो तरह के, दो टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक ब्रांड ऐसा है जो चिप सेट मदरबोर्ड बनाती है, और कुछ कंपनीज जो है ओरिजिनल मदरबोर्ड बनाती है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिप सेट मदरबोर्ड क्या होता है और ओरिजिनल मदरबोर्ड क्या है, और उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओरिजिनल बोर्ड बनाती है। बाकी ये रेस्ट ऑफ ऑल जितने मदरबोर्ड आपको मिलेंगे सभी चिप सेट मदरबोर्ड होते हैं। तो अब हम बात करें चिप सेट क्या है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी मदरबोर्ड होती है, ये मदरबोर्ड के ऊपर, जैसे मान लो कोई एक कंपनी ले लो, कोई एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, इंटेल ले लो, तो इसके ऊपर जो एक प्लेट हो गई, पीसीबी प्लेट हो है, उसके ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं वो सेम कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, तो उसको हम ओरिजिनल बोर्ड बोलते हैं। मतलब एक प्लेट हो गई, उसके ऊपर जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो भी इंटरफेसेस लगे हुए हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे, बहुत सारे स्लॉट मिलेगा, ये सारे कंपोनेंट सेम कंपनी का बिलोंग करेगा, उसको हम ओरिजिनल बोर्ड बनाते हैं, तो बोल बोलते हैं। और ये पूरे विश्व में एक ही कंपनी है जो पूरे सारे कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है, वो इंटेल है। तो आप कह सकते हैं इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके अलावा जितनी कंपनी है वो सब चिपसेट बनाती हैं। तो अब चिपसेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जानो चिपसेट होता क्या है। तो चिपसेट जो होता है, सबसे पहला इसका पार्ट है नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, बायोस, सुपर आईओ, ये सभी क्या है, चिप सेट है। चिप मतलब क्या होता है, एक आईसी हो गई, एक तरह की आईसी है, पावरफुल आईसी आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम होता है अलग अलग फंक्शन करने के लिए, राइट। तो ये सभी चिप सेट है, चिप है, अलग अलग चिप हैं, और एक ग्रुप हो गया, कई सारे चिप्स का ग्रुप हो गया, इसीलिए इनको चिप सेट के नाम से जानते हैं। कि मतलब एक चिप अगर रहता तो उसको चिप बोलते हैं, जैसे बायोस हो गया एक चिप है, नॉर्थ ब्रिज एक चिप है, साउथ ब्रिज एक चिप है, बट कई सारे मल्टीपल चिप मिल गए, इनको ग्रुप कर दिया गया, तो इसीलिए इनको चिप सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती क्या है, जो जैसे मान लो आप एग्जांपल के लिए मर्क्यूरी ले लो, आसूस ले लो, एजरॉक ले लो, या इलाइट ग्रुप ले लो, ये सब मदरबोर्ड जो है ये कंपनीज क्या करते हैं, चिप सेट दूसरी कंपनी से परचेस करते हैं और अपने पीसीबी पे प्रोग्राम कर देते हैं, उसको असेंबल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसको असेंबल कर देते हैं, तो उनका ब्रांड हो गया। तो बट इनको क्या बोलते हैं हम, चिप सेट मदरबोर्ड, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि ओरिजिनल बोर्ड क्या होता है और चिप सेट बोर्ड क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप मार्केट में जाओगे मदरबोर्ड खरीदने के लिए और आप बोलोगे ओरिजिनल मदरबोर्ड दे दो हमें, ठीक है, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप करेगा कौन सा। अगर आप बोलोगे चिप सेट मदरबोर्ड हमें चाहिए, तो जरूर दुकान वाला आपसे पूछेगा कौन सा बोर्ड चाहिए आपको, गीगाबाइट के चाहिए, एजरॉक का चाहिए, आसूस का चाहिए, कौन सा चाहिए, क्योंकि चिप सेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट अगर ओरिजिनल बोर्ड लोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही मदरबोर्ड है, वो इंटेल है, तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के। मदरबोर्ड को बेसिकली तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एटी मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड एंड बीटीएक्स मदरबोर्ड। तो अभी लेटेस्ट में हम लोग बीटीएक्स मदरबोर्ड पे काम करते हैं। और यहाँ पे देखो एटी मदरबोर्ड को मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। एटी मदरबोर्ड का ये डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं इमेज है एटी मदरबोर्ड। ये बहुत ओल्ड मदरबोर्ड है, इसका दूसरा डायग्राम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें कोई भी जो भी इंटरफेसेस है जहाँ पे आप कनेक्टिविटी करते हो वो सारे इंटरफेसेस यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑन बोर्ड नहीं है। ये यहाँ पे एक्सटर्नली आपको कनेक्ट करना रहेगा। ये हमारा एक्सपेंशन स्लॉट होता है, इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं, आईएसए स्लॉट है। एक्सपेंशन स्लॉट अगर बोले तो क्या क्या है उसमें, आपका आईएसए है, पीसीआई स्लॉट है और एजीपी स्लॉट, इनको हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटी मदरबोर्ड जो पुराना वाला मदरबोर्ड था, यहाँ पे जैसे मान लो आपको ये माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट करना तो उसका यहाँ पे रहेगा, ऑन बोर्ड रहेगा। अगर कीबोर्ड कनेक्ट करना, माउस कनेक्ट करना है या मॉनिटर कनेक्ट करनी है या प्रिंटर कनेक्ट करनी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ कनेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करते थे उस समय, एक्सटर्नल कार्ड लेकर के अपने एक्सपेंशन स्लॉट पे लगाकर हम इंटरफेस बनाते थे और उसमें हम लोग कनेक्ट करते थे, यूज़ करते थे इस तरह के मदरबोर्ड में। तो आज के डेट में ये मदरबोर्ड नहीं मिलेगा आपको, राइट। एटी मदरबोर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, ही ओल्ड टाइप्स मदरबोर्ड हो गया। इस पे ऑन बोर्ड केवल एक इंटरफेस मिलता था जिसको हम डिन बोलते थे। डिन का पूरा नाम होता है डचेस इंडस्ट्री नाम। ये 6 पिन का इंटरफेस होता है। ये पुराने टाइप्स का कीबोर्ड जो होता था इसी में हम कनेक्ट करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे मदरबोर्ड की, जो ATX मदरबोर्ड होता है। और ATX मदरबोर्ड आप देख सकते हो उससे लेटेस्ट है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्रोसेसर के साथ में यहाँ पे रोम लगा हुआ जिसको हो ये हीट सिंक से ढका हुआ है। ये क्या करता है, कूल करता है उसको। और PCI स्लॉट, यहाँ पे ISA स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन स्लॉट में PCI स्लॉट आपको मिलेगा। पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस इसको बोलते हैं। ये भी सेम वही काम करेगा जो हमारा ISA स्लॉट था, एक्सटर्नल पोर्ट, इस पे भी लगाकर हम इंटरफेसेस को यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में, इस टाइप के मदरबोर्ड में आपको बहुत सारे इंटरफेसेस ऑन बोर्ड मिलेगा। यहाँ देख सकते हो कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर, जो भी कनेक्टिविटी करनी है वो आपको मदरबोर्ड पे ही मिल जाएगा। ये सारे इंटरफेस आपको मदरबोर्ड पे ही मिल जाएंगे, यहाँ देख सकते हो आप, राइट। इसको ऑन बोर्ड मदरबोर्ड बोलते हैं। तो ये है। इसके बाद लेटेस्ट मदरबोर्ड हमारा BTX मदरबोर्ड है। और BTX मदरबोर्ड का डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये ATX से भी ज़्यादा एडवांस है। कुछ नए इंटरफेसेस इसमें मिलेगा जो ATX में आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे कंपैरिजन बता दिया गया है कि ATX और BTX में अंतर क्या रहेगा। तो बेसिकली ये अंतर आप इंटरफेसेस से ही लगा सकते हो कि जो इंटरफेसेस है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस जिस पे आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या USB, ये सारे इंटरफेसेस कैसे रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैरेलल पोर्ट आपको दिखेगा, पैरेलल पोर्ट है और USB पोर्ट है, RJ45 पोर्ट है, ये सारे पोर्ट तो रहेगा, USB है, VGA पोर्ट है। इसमें जो रहेगा, इसमें HDMI पोर्ट मिलेगा आपको BTX मदरबोर्ड में, ओके। और USB जो ATX में अगर दो इंटरफेस है USB का, तो BTX में 4 इंटरफेस आपको मिल जाएगा कनेक्टिविटी करने के लिए, ओके। और PCI स्लॉट BTX मदरबोर्ड में 1 या 2 मिलेगा। RAM स्लॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 RAM स्लॉट मिलेगा, ताकि आप ज़्यादा इसमें RAM, ज़्यादा मेमोरी इसमें इंस्टॉल कर सको। और यहाँ पे आपको 2 केवल RAM स्लॉट मिलेगा। अगर 8-8 GB का RAM लगा रहे हो तो मैक्सिमम 16 GB का RAM लगा सकते हो इस मदरबोर्ड में। और अगर BTX मदरबोर्ड है तो आप 8-8 GB का 4 RAM लगाकर 32 GB मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने BTX मदरबोर्ड पर, राइट। तो ये हमारे डिफरेंसेस है। और ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पर, इसके इंटरफेसेस को, कि कौन सा इंटरफेस का नाम क्या है और इसके पिन नंबर कितने होते हैं। इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा आपको एक एक इंटरफेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरफेसेस। अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर हो या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो और आपको इंटरफेस नहीं याद है कितने पिन का इंटरफेस है, तो अच्छा नहीं रहेगा ये। और आपको अंदाजिफिकेशन से उसमें इंसर्ट करना रहेगा। अगर आपको इंटरफेस का पिन नंबर याद रहेगा तो इजीली आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा और इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट। इस मदरबोर्ड का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है हमारे सारे
इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइसेस को, राइट। तो इंटरफेसेस का ही मेन रोल होता है इसमें, इंटरफेसेस को आपको समझना रहेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे इंटरफेसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक इंटरफेसेस के बारे में। देख लो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं PS2 पोर्ट। ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहा है, ये कैबिनेट बॉक्स के बाहर मदरबोर्ड को SM सेट करते हैं अपने कैबिनेट बॉक्स में। जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये आउटसाइड में हो जाता है, और वहीं से आप मॉनिटर या कीबोर्ड, माउस, ऑडियो जो भी रहता है, हम वहाँ से आउटसाइड बाहर कैबिनेट के बाहर से पीछे बैक साइड से हम कनेक्टिविटी करते हैं, राइट। तो ये मदरबोर्ड ही रहता है एक्चुअली, लेकिन कैबिनेट में ऐसा जगह बना दिया जाता है बैक साइड में कि ये मदरबोर्ड ऑटोमेटिकली वहाँ जाके फिट हो जाता है, और ये पोर्शन जो है, ये सारे पोर्शन आपको बाहर दिखने लगता है जिसमें आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो अपने कैबिनेट बॉक्स में, राइट। तो अब हम बात करते हैं एक एक इंटरफेस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं PS2 इंटरफेस, और PS2 इंटरफेस यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है अभी तो ये PS2 इंटरफेस आपको लेटेस्ट में नहीं मिलेगा, ये बेसिकली कीबोर्ड और माउस इसमें हम कनेक्ट करते हैं। ये 6 पिन का इंटरफेस होता है, और आज के डेट में तो इसमें हम कनेक्ट नहीं करते हैं। अभी लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आ रहा है BTX मदरबोर्ड, उसमें PS2 एक रहेगा कीबोर्ड के लिए, या तो वो भी नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट USB में कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में कीबोर्ड या माउस खरीदोगे तो आपको USB इंटरफेस मिलेगा, ना कि PS2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं USB इंटरफेस। देखो यहाँ पे USB इंटरफेस है, ये जो होता है 4 पिन का इंटरफेस होता है, और ये बहुत काम की इंटरफेस है। इसमें इट कैन कनेक्ट अप टू 127 डिवाइसेस, आई मीन आज के डेट में जो भी डिवाइसेस है, कोई भी डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप प्रिंटर खरीदोगे वो भी USB इंटरफेस रहेगा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जो भी आप इंटरफेसेस, लाइट पेन जो भी खरीदोगे, सब कुछ आपको USB में ही कनेक्ट करना रहेगा, राइट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये 4 पिन का इंटरफेस होता है, याद रखना है आपको। इसके ऊपर आप देखते हो RJ45 इंटरफेस है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको इथरनेट पोर्ट बोल सकते हो आप, लैन पोर्ट बोल सकते हो, नेटवर्क पोर्ट बोल सकते हो, इंटरनेट पोर्ट बोल सकते हो, या IEEE पोर्ट भी हम बोलते हैं इसको। तो ये बहुत सारे नेम है इसका। ये बेसिकली 8 पिन का इंटरफेस होता है, और नेटवर्क के लिए होता है। जो हमारा RJ45 कनेक्टर होता है उसको हम क्रिम करके जो केबल बनाते हैं उसी को हम इसमें कनेक्ट करते हैं। 8 पिन का इंटरफेस होता है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क या इंटरनेट के लिए हम कनेक्टिविटी करते हैं इसमें, ओके। इसके बाद आप बात करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये VGA पोर्ट यहाँ पे है, आपको देखने को मिलेगा। ये VGA पोर्ट है जो 15 पिन का आपको इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर, 15 पिन का इंटरफेस। और ये जो होता है मॉनिटर, मतलब डिस्प्ले के लिए स्पेशली इसको यूज़ करते हैं, मॉनिटर या प्लॉटर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो अपना। और इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरियल इंटरफेस होता है। सीरियल का अभी तो कोई काम नहीं है, पहले सीरियल डिवाइसेस हम कनेक्ट करते थे इसमें, सीरियल माउस वगैरह कनेक्ट करते थे, अभी इसका यूज़ नहीं रहा है। तो अभी लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आप लोगे एकदम लेटेस्ट वाला, उसमें आपको ये पोर्ट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पैरेलल पोर्ट है, ये पैरेलल प्रिंटर के लिए होता है। ये 15 पिन का इंटरफेस है, सॉरी 25 पिन का इंटरफेस है ये, और ये पुराना वाला प्रिंटर जो आता था पैरेलल प्रिंटर, उसको हम इसमें कनेक्ट करते थे। आज के डेट में जो भी प्रिंटर आएगा आपको USB पोर्ट मिलेगा, USB इंटरफेस रहेगा, तो इसका इसकी भी ज़रूरत अब नहीं रही है, ओके। इसके बाद आप राइट साइड में देखो, यहाँ पे ऑडियो जैक है, यहाँ पे स्पीकर, ईयरफोन और माइक इसमें लगा सकते हैं आप। और नॉर्मली सेंटर में हम स्पीकर लगाते हैं, लेफ्ट राइट में आप ईयरफोन या माइक यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 15 पिन का इंटरफेस ये मिलेगा, इसको हम MIDI इंटरफेस बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये जो होता है हाई फाई साउंड के लिए जो होता है यूज़ करते हैं इसको, अभी इसका भी यूज़ नहीं रहा। जो भी हाई फाई साउंड आ रहा है वो USB इंटरफेस में हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल इंटरफेसेस है, कुछ इंटरनल इंटरफेसेस के बारे में बात कर लेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऑन टॉप ऑफ मदरबोर्ड आपको कौन कौन से इंटरफेसेस देखने को मिलेगा। यहाँ देखने की कोशिश करो आप समझने कि इस पे देखो आप, ये माइक्रो प्रोसेसर का स्लॉट है जहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट करते हैं, राइट। और ये PCI स्लॉट है, एक्सपेंशन स्लॉट का दूसरा रूप है। मैंने बोला एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है एक्सटर्नल, मान लो अगर लेटेस्ट मदरबोर्ड ही आपके पास है और बहुत सारे इंटरफेसेस जो मैंने बोला ऑन बोर्ड है, सब कुछ कीबोर्ड माउस हर चीज़ ऑन बोर्ड है मदरबोर्ड पर, बट कोई एक उसमें से इंटरफेस काम करना बंद कर दिया या फॉल्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे उस केस में? हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल
ये कार्ड लेते हैं, एक्सटर्नल जो भी इंटरफेस है उसको पीसीआई स्लॉट पे इंस्टॉल कर देते हैं, वो इंटरफेस आपके बाहर मदरबोर्ड पे आ जाती है। और जैसे ये सब इंटरफेसेस आपको दिख रही है यहाँ पे, वैसे वो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने लगी, यहाँ पे दिखने लगेगी, उसमें आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये तीन तरह का होता है, एक्सपेंशन स्लॉट, ISA, PCI एंड AGP। तो अभी जो लेटेस्ट में मदरबोर्ड में आपको मिलेगा PCI स्लॉट ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप नॉर्थ ब्रिज मिलेगा ये, और यहाँ पे सारे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रैम स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे जो है ID इंटरफेस देखने को मिलेगा, इनफैक्ट अभी ID इंटरफेस नहीं रहेगा BTX मदरबोर्ड में, आपको SATA इंटरफेस मिलेगा। SATA इंटरफेस इस मदरबोर्ड में नहीं है, मैं तो इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। SATA इंटरफेस जो है इसमें होगा ज़रूर कहीं ना कहीं, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शायद मोबाइल में अगर देख रहे हो तो देखने में प्रॉब्लम रहेगा, इस जगह पे है ये SATA इंटरफेस, 7 पिन का इंटरफेस रहेगा, राइट। यहाँ पे हम अपने हार्ड डिस्क या DVD राइटर को कनेक्ट कर सकते हैं डेटा केबल के द्वारा, ओके। तो ये है, और इसके बाद जो है बहुत ये साउथ ब्रिज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखो साउथ ब्रिज है, राइट। और नॉर्थ ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ पे विद हीट सिंह यहाँ लिखा हुआ भी है, ये AGP स्लॉट है यहाँ पे दिखा है, राइट। ये सारे इंटरफेसेस हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर अगर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये कौन सा मदरबोर्ड है, अगर इसके जनरेशन की बात करें, अब हम ये तो मोटी मोटा हम लोग बात कर लिए कि इसके इंटरफेसेस है, वो तो कॉमन रहेगा सभी मदरबोर्ड के लिए, बट कभी कभी क्या होता है मदरबोर्ड पे स्टिकर लगा रहेगा, आपको देख लोगे कि कौन सा ATX मदरबोर्ड है, BTX मदरबोर्ड है, और इसका जनरेशन क्या है। जनरेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है मदरबोर्ड में। एक्चुअली जनरेशन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको कंपैटिबिलिटी नहीं मालूम रहेगा कि इस मदरबोर्ड में कौन सा रैम सपोर्ट करेगा, कितने GB मैक्सिमम रैम सपोर्ट करेगा, प्रोसेसर कौन सा सपोर्ट करेगा, कितने कोर का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है मदरबोर्ड के जनरेशन के ऊपर, ओके। और ये जनरेशन कहाँ पे आपको मिलेगा, तो जनरेशन आपके मदरबोर्ड पे लिखा नहीं रहेगा, आपको देखने से नहीं मालूम रहेगा, क्योंकि सभी मदरबोर्ड लगभग सिमिलर ही आपको दिखेगा, चाहे कोई भी ब्रांड हो। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, मॉडल नंबर होता है, हर एक मदरबोर्ड पे मॉडल नंबर रहेगा। आप जैसे कोई भी मदरबोर्ड लो, गीगाबाइट या इंटेल का या जो भी, उसका एक मॉडल नंबर रहेगा। जैसे मान लो 61, ये कुछ भी ऐसे मॉडल नंबर है, और उसको क्या करो, इसको आपको नेट में डालना रहेगा, मॉडल नंबर ऑफ दिस मदरबोर्ड, आपको पूरा जनरेशन उसके बारे में मालूम हो जाएगा, कंपेटिबिलिटी के बारे में मालूम हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर वो मॉडल नंबर भी नहीं है तो बैक साइड में आप देखोगे वहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा होगा, वहाँ पे रहेगा, और वो भी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं है तो क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ज़्यादातर मदरबोर्ड में आपको 90% केस में आपको मदरबोर्ड के ऊपर लिखा मिल ही जाएगा, तो ये जानना ज़रूरी रहता है, ओके। तो जनरेशन के बारे में, क्योंकि जनरेशन अगर आपको नहीं मालूम कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, कंपैटिबिलिटी में मदरबोर्ड पता चला प्रोसेसर खरीद के ले आ दिए और वो कंपैटिबल ही नहीं, आपका मदरबोर्ड भी बेकार होगा, प्रोसेसर भी बेकार होगा। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मदरबोर्ड के केस में, ओके। ये चीज़ हो गया। और मदरबोर्ड में क्या है, ATX और BTX मदरबोर्ड में पावर सप्लाई की अगर बात करो, जो हमारा SMPS से पावर सप्लाई आता है, अगर ATX मदरबोर्ड में देखेंगे तो ये 20 पिन का पावर सप्लाई रहेगा, मैं पूरा बनाया नहीं हूँ, 20 पिन आपको इसको समझना है। और अगर BTX मदरबोर्ड में, उसमें 20+4 पिन एक्स्ट्रा रहता है, ये एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देता है, इसको हम BTX मदरबोर्ड बोलते हैं, 24 पिन का पावर सप्लाई रहेगा। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो मदरबोर्ड के पावर सप्लाई को भी देखकर कि ATX मदरबोर्ड है या BTX मदरबोर्ड है, ओके। और इसके बाद जो है रैम स्लॉट अगर देखेंगे तो लेटेस्ट में आपको DDR4 रैम स्लॉट है, DDR3 रैम स्लॉट है, ये भी आपको आइडेंटिफाई वहीं मदरबोर्ड के स्लॉट से मिल जाएगा। तो आई होप आपको कुछ आइडिया आ गया होगा मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड के टाइप्स कौन कौन से ATX और BTX मदरबोर्ड में डिफरेंसेस क्या है, और
इनके इंटरफेसेस के बारे में मैं बताने की कोशिश किया। आप इंटरफेस और पिन नंबर याद करने की कोशिश करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा असेंबलिंग करने में। और मदरबोर्ड के सारे इंटरफेसेस के बारे में अगर आपको मालूम हो गया तो असेंबल करना बहुत सिंपल है, आप मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।